अभी यहाँ पे सब लोग हम नाश्ता वास्ता कर रहे हैं। यहाँ पे डंडी दे दो, डंडी। छोटी सी प्यारी सी गली से होता हुआ ये मंदिर ऊपर को जाता है। अंदर पे ना ये शिवलिंग्स है जो कि 2007 में यहाँ पे सारे के सारे निकले हैं ये। फिर अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं हनौल के लिए। तो हेलो, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो पे। तो हम लोग का आज का जो प्लान है, एक्चुअली में फैमिली ट्रिप हमारा है और हम लोग आज जा रहे हैं हनौल महासू देवता। तो अभी मैं अपनी बुआ के घर में आया हूँ, यहाँ से हम लोग सब साथ में जा रहे हैं। बाकी हमारी जो गाड़ी है वो ये सामने खड़ी हुई है, ये वाला टेम्पो ट्रैवलर। तो अभी सुबह के बज रहे हैं 8 और हम अब बस निकलने वाले हैं, सब लोग तैयारी कर रहे हैं। अब यहाँ से जो जर्नी है वो अराउंड 6 से 7 घंटे की होगी, बाकी बीच में कहीं रुकेंगे तो वो भी देखेंगे। तो गाइस मसूरी हम लोग अभी पहुंच चुके हैं, थोड़ा सा जाम वाम लगा हुआ है यहाँ पे अभी। तो गाइस अभी हमने मसूरी क्रॉस कर लिया था कैंपटी फॉल क्रॉस करके, अब हम आगे आए हैं। तो दोस्तों अभी हम लोग पहुंचे हैं नैनबाग। ये नैनबाग करके जगह है जो है, तो बहुत ही ज़्यादा प्यारी जगह, मैं दिखाता हूँ आप लोगों को एक बार। ये नीचे पे ना पूरी नदी बह रही है, बहुत ही सुंदर, शायद ये यमुना है। बाकी अभी यहाँ पे रुके हैं थोड़ा सा कुछ खाने वाने के लिए, क्योंकि सुबह नाश्ता करके हम लोग चले नहीं थे। बाकी हम लोग मसूरी वाले रास्ते से जा रहे हैं और यहाँ मतलब हनौल जाने के 2 रास्ते हैं। एक जो है चक्राता होते हुए आता है, जो विकास नगर चक्राता होते हुए आता है, हम वाला रास्ता से नहीं गए, हम लोग आए मसूरी वाले से, क्योंकि ये रास्ता बिल्कुल साफ़ है, क्लियर है। अभी यहाँ पे सब लोग हम नाश्ता वाश्ता कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग पराठे खा रहे हैं, बाकी लोग रोटी वोटी खा रहे हैं। अच्छा तू ये काम कर रहा है, नहरों में तनगड़ पाड़वा हर जहाँ भी जाता हूँ वहाँ मिल जाते हैं मुझे ये लोग, ऊपर से ऊपर। तो अभी हम लोगों ने यहाँ पे थोड़ा नाश्ता वाश्ता कर लिया है, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग खाना था, मैंने पराठे खाए, कढ़ी बहुत ज़्यादा टेस्टी कढ़ी थी। तो हनौल जाने से पहले ना हम लोग लाखा मंडल जो जगह है वहाँ जाएंगे, फिर वहाँ को थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे, उसके बाद हम लोग हनौल के लिए आगे जाएंगे। तो अभी जो लाखा मंडल के रास्ता जा रहा है ना वो ये वाला जा रहा है, सामने वाला जो पुल है, बाकी फिर हमें इससे वापस आना है हनौल जाने के लिए। डंडी दे दो, डंडी डंडी मामा जी की। तो गाइस लाखा मंडल हम लोग पहुंच चुके हैं, वो सामने पे मंदिर है उधर। अभी यहाँ से छोटा सा रास्ता है जाने के लिए, छोटा सा ट्रैक है। कितना मीटर होगा, 200 300 ऐसे ही 200 300 मीटर है। तो लोकेशन ना बहुत ज़्यादा सुंदर है, देखो मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। बीच में से छोटी सी प्यारी सी गली से होता हुआ ये मंदिर ऊपर को जाता है, छोटे छोटे घर हैं यहाँ पे। आप आए हुए पहले? ना ना, पहली बार है, पहली बार है। तो देखो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, ये पूरा लकड़ी का वुड का पूरा बना हुआ है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर है और बहुत पुराना होगा ये यहाँ पे। आओ तो गाइस फाइनली मंदिर पे हम लोग पहुँच चुके हैं। यहाँ पे आप नीचे देख सकते हो ना, ये पूरे खपरेल के मकान हैं सारे के सारे, बहुत ही ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं और यहाँ का नज़ारा जो है बहुत ही एकदम अल्टीमेट सा है। बाकी मंदिर मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ एक बार। अच्छा अभी फोटो सेशन हो रहा है। इस मंदिर की खोज गायनी की, ये मंदिर घोर जंगल के बीच में था, जमुना नदी पार से एक महाराजा की गाय आती थी। मंदिर के अंदर जाके शिवलिंग के दूध की धार चढ़ा के अपसे पूजा करती थी। आज हम लोग मंदिर में जाते हैं, पूजा करते हैं, नमन करते हैं, ये सब गाय माता की देन है। गाय माता के शरीर के अंदर रूम रूम में 33 कोटि देवी देवताओं का वास है। ये लाल रंग का शिवलिंग है, ये रेते बालों का शिवलिंग है। ये शिवलिंग या तो लाखा मंडल के प्रांगण में मिलेगा या तो सोयत बंद रामेश्वर में, जब रामचंद्र जी ने श्रीलंका जाने के लिए पुल बांधा था। ये पूरे भारत देश में ये शिवलिंग और जगह नहीं मिलेगा। यहाँ पे 33 कोटि देवी देवता है, 1.25 लाख शिवलिंग की यहाँ पे स्थापना पांडवों ने अपने हाथों से की है। अब आप लोग आगे चलेंगे, मैं आगे दिखाऊंगा आपको। इस मंदिर पे
ऊपर से लेकर के नीचे तक मंदिर के चारों तरफ गाय माता के खोर के निशान है। जिस गाय ने इस मंदिर की खोज करी है, ये कौन सी गाय है जिसके ये खोर के निशान है? बोलो बेटा, बोलो गुरुजी, आप बोलो कौन सी गाय थी जिसने जिसके ये खोर के निशान है? कौन सा काम देने हो सकता है? अरे महाराज, अरे महाराज, मित्र मित्र भाई साहब, कौन सा काम देने जो समुद्र मथन से निकली थी? अच्छा, ओ अच्छा, काम देनु तो पता थी मगर और उसके काम देनु कहूंगे कि ये नहीं समझ। मैंने कहा नहीं जाएगी यहाँ पे ध्यान लगाना। दुर्योधन ने पांडवों को जलाने के लिए राह का महल बनाया लक्ष्य गृह। वो ये जगह है लक्ष्य गृह, ये चारों तरफ लाल ईट। हाँ हाँ हाँ, ये सीट के नीचे आज भी लाख है। से अंदर ग्राउंड तो सुरंग है। अच्छा, ये सुरंग किसने बनाई पांडवों को बचाने के लिए? बोलो बेटा, चूहे ने बनाई थी सर। किसने? चूहे ने यहाँ से नक्शा बनाया। हाँ। और चूहों ने यहाँ से सुरंग बनाई चूहों ने। और नीचे सड़क पे आते समय आपको ये गुफा मिली है, वो है पांडवों की। हाँ, जो आप बता रहे थे पांडवों को यहाँ से विदुर ने उस गुफा से बाहर निकाला। तो गाइस, ये यहाँ की शिवलिंग जो है वो ये है, और ये बहुत ही ज्यादा सुंदर और बहुत ही बड़ी है। जो है पश्चिम को, ये रेखा देखो, ये पश्चिम को है। इसकी परिक्रमा इधर से होती है और मंदिरों की परिक्रमा इधर से होती है। इसको क्रॉस नहीं करते, इसको पानी की जो नदी है ना, नाली आती है। अच्छा, मतलब आधा ही फेरा लेते हैं यहाँ पे शिव जी का, हर जगह आधा का लेते हैं। अच्छा, जहाँ नाली आती है क्रॉस नहीं किया जाता। तो यहाँ पे ना ये शिवलिंग्स है जो कि 2007 में यहाँ पे सारे के सारे निकले हैं। ये इस जगह पे पहले एक ग्राउंड हुआ करता था एक तरीके से पूरा, ये मकान भी निकले साथ। अच्छा, खुदाई के बाद? ये कब के? ये अभी 8-10 महीने हुए, 10 महीने पहले। अच्छा, खुदाई होके मंदिर निकले हैं। खुदाई कर रहे थे, देखो इसमें तस्वीर साफ दिखती है, देखो रिफ्लेक्शन आता है पूरा। पूरा नहीं, मैंने ग्रेनाइट पे देखा है। हाँ। बहुत चिकना है, तुम इतना मारो कि इतनी क्लियर नहीं आती है। सही में? जितना इधर इसमें क्लियर है, मैं सही बता रहा हूँ। तो दिख रहे इसके अंदर आपका प्रतिबिंब दिख रहा है, ये दिख रहा है, रिफ्लेक्शन आ रहा है पूरा बढ़िया। इसके अंदर भी दिख रहे हैं आप लोग अपने हाथ में, जरा मोबाइल निकालो फोटो। तो गाइज, ये है लाखा मंडल। ये जो है ना, ये चक्राता रीजन में पड़ता है और बहुत ही ज़्यादा प्यारा मंदिर है। तो ये जो मंदिर है, ये एक्चुअली में पांडव जब थे तब के टाइम से है, उससे भी पहले से है। तो जो ये मंदिर है ना, ये लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड है। तो जब पांडवों की लड़ाई हुई थी ना, तो पांडव लोग जो थे वो यहाँ पे आके मतलब अपना हवन वगैरह यहाँ पे करते थे। तो जो दुर्योधन था उसको पता चल गया वो लोग यहाँ पे हैं, तो वो यहाँ पे आए थे। और उन्होंने ना यहाँ पे एक गुफा है, मतलब एक जगह थी जो पीछे पे आपने दिखाई थी जहाँ शिवलिंग है, वहाँ पे उन लोगों ने आग लगा दी। बट पांडव कैसे तैसे करके बच गए और वो ना दूसरी तरफ कहीं निकल गए, और उधर की साइड वो गुफा कहीं ना ख़त्म होती है। तो गाइस, ये था लाखा मंडल का मंदिर। अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं हनौल के लिए, क्योंकि लेट हो जाएगा हमें, क्योंकि यहाँ से अभी भी 3 घंटे का रास्ता जो है वो बचा हुआ है हमारा। तो लाखा मंडल आके बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, मतलब नई नई चीज़ें सुनने को मिली, जो अभी वो जो वहाँ पुजारी थे उन्होंने बताया काफ़ी चीज़ें वहाँ के बारे में। अब देखेंगे हनौल में हम लोग को क्या मिलता है, कैसा है। वहाँ पर भी मंदिर है, बहुत अच्छा मंदिर है सुनने में, तो उसका भी एक्सपीरियंस लेंगे अब हम जाके वहाँ पे। तो दोस्तों, रास्ते में ना बहुत सारी प्यारी प्यारी जगहें आ रही हैं। एक जगह उनमें से ये है जहाँ पे पूरे चीड़ के पेड़ लगे हुए हैं और बुरांस के पेड़ भी हैं आसपास। बहुत ज़्यादा सुंदर जगह है। तो दोस्तों, फाइनली हनौल हम लोग पहुँच चुके हैं। ये हनौल की पूरी वैली है, बाकी जो मंदिर है वो उस तरफ पे है। तो अभी हम लोग ना यहाँ पे स्टे कार्ड देख रहे हैं अपना कोई, क्योंकि हमने अभी बुकिंग नहीं करी है, यहीं आके हम सोच रहे थे यहीं पे देखेंगे। तो अभी वो सब देख रहे हैं, तो ये वाली वीडियो को यहीं तक रखते हैं। बाकी मंदिर की जो वीडियो होगी हनौल वाली, जो महासु देवता की होगी, वो मैं नेक्स्ट वीडियो पे बनाऊंगा। बाकी हमारी देहरादून से जो जर्नी रही है ना, वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल रही है। देहरादून से हनौल तक का जो रास्ता है वो बहुत ज़्यादा सुंदर है। तो अगर आप लोग यहाँ आने का प्लान करोगे तो प्रीफर करना कि मसूरी वाला होते हुए रास्ता देहरादून से आप हनौल आओ। तो चलिए फिर, इस वीडियो को यहीं पे करते हैं एंड, और आप लोगों से मिलते हैं अपनी दूसरी वीडियो पे। टिल देन, टेक केयर।